जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में तीन चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। उद्धरण चिन्ह: क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से, और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य खुद जलता रहता है। अगर पर अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है, और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजे और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे, यही सफलता का मार्ग है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से, और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है।